जितना हम हर्षिल और गंगोत्री की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना, नेचर अपना जो है इतना प्यार बरसाता हुआ जा रहा है। आपको दिखाता हूँ, अभी हम रुके हुए हर्षिल से 30 किलोमीटर पहले। माय गॉड, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू। इस पत्थर पे खड़े होते हैं अब और दिखाते हैं आपको नजारा। हर्षिल वैली, हर हर महादेव। वो देखिए सामने कितने सारे झरने एक साथ बह रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हेलो बेबी, दिखाओ, देखो खड़े हो उस पे। हर्षिल की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं ना, रास्ते इस टाइम बिल्कुल सकरे हो चुके हैं और इनको प्यारे कह लीजिए, इनको डेंजरस कह लीजिए, बट ड्राइव विद कॉशन। हॉर्न मोड़ों पर हॉर्न बजाते हुए चला रहे हैं हम धीरे धीरे। अपनी स्पीड हमारी देख लीजिए, 20-30 की स्पीड पर चल रहे हैं और बेटी हमारी व्लॉगिंग कर रही है। जैसे कहते हैं ना, नेचर अपनी चरम सीमा पर। आप देखिए और मंत्रमुग्ध हो जाइए। वाओ, माय गुडनेस, माय गुडनेस, क्या प्यारा है यार। मैं बयान नहीं कर सकता भाई, कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है। ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं हर्षिल। यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर है और अभी यहाँ पे कोई निलांगना वैली आती है, निलांग वैली जैसे कहते हैं। फिर हम आज अभी हर्षिल नहीं रुकेंगे, फटाफट से जाएंगे गंगोत्री, गंगोत्री में दर्शन करके फिर लौटेंगे। अभी हर्षिल में जैसे ही एंट्री करते हैं तो वहाँ का आपको नज़ारा दिखाते हैं। हर्षिल से गंगोत्री जाते समय पड़ता है ये फेमस गड़तांग गली। फोटो लेना वर्जित है बट हमने यहाँ के ऑफिसर से बात कर ली है, कोई इशू नहीं है। लंका ब्रिज देखिए, लेफ्ट में देखो गर्तांग गली, इसमें जाएंगे हम भाई साहब, अगर 2:30 बजे तक आ गए तो नहीं तो कल जाएंगे। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रास्तों पर कोई नहीं है, सन्नाटे सन्नाटे सन्नाटे। उत्तराखंड की ट्रैवल जो ये होती हैं कैब्स वगैरह, बस यही घूम रही हैं, नहीं तो आपको 10-10, 20-20 किलोमीटर तक एक गाड़ी तक नज़र नहीं आती है। पूरी वैली नज़र आने लगी है, स्नो पीक्स माउंटेन हमारे राइट में भी है, हमारे फ्रंट में भी है। अभी आपको वहाँ पर चलकर वहाँ का पूरा एनर्जी फील कराते हैं गंगा मैया की। गंगोत्री 4 किलोमीटर। अच्छा लग रहा है, इतनी दूर से चले हुए हैं, तीसरा दिन है आज गंगोत्री के लिए, आखिरकार हम लोग पहुंच गए गंगा मैया के इस पावन मंदिर पर, गंगोत्री धाम में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। पकड़ना, दर्शन करेंगे माता रानी के। कहाँ गाड़ी खड़ी करें? गंगोत्री धाम मंदिर में हम पधार चुके हैं, हमने गाड़ी अपनी पार्किंग पर लगा दी है। बच्चे हमारे ऑल सेट, मंदिर है सामने, धूप हो रही है, मौसम ठीक ठीक हो रहा है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, पर एक एक लेयर लेने की ज़रूरत थी तो चल रहे हैं आगे की तरफ। पर हमारा होगा रजिस्ट्रेशन चेक, जो हमने कराया था रजिस्ट्रेशन पंजीकरण, वो यहाँ पर चेक होगा।
तो यात्रा टोकन दिखाया आपने, यात्रा टोकन हमको मिले थे वो हमने वहाँ पर वापस दे दिए, जमा कर दिए। अब इनका काम ख़त्म, एंट्री हो चुकी है मंदिर में। कट्टी हमने ले ली है गंगा जी के, जहाँ से गंगा उद्गम होती है वहाँ से वहाँ का जल हम भर के लेके जाएंगे गंगोत्री का। नहीं नहीं पहले दर्शन, पहले दर्शन। भैया की शॉप से हमने प्रसाद ले लिया है और पैसे वैसे लौट के देते हैं, ठीक है भैया ना, चलते हैं, चलो आ जाओ। बजाओ जोर से, बंद कर दो। हाँ जाओ तो सही, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, उसकी तीनों कैप लगा दो, चलो बोलो। अरे अरे गंगे बोलो ना, किसी में बात करते हैं अभी, देखो सब परिवार और ध्यान से इधर को देखिए, गिर मत पड़ना, इधर देखो सब परिवार, हर हर महादेव, शंकर भगवान के आशीर्वाद से हमारा समस्त परिवार
पूरी फैमिली गंगोत्री के इस पावन उद्गम स्थान पर पहुंच चुकी है, गंगोत्री धाम। तो एक साथ सब बोलिए, जो भी देख रहे हैं हमारा वीडियो दिल से सफर का, सब बोलिए एक साथ, हर हर गंगे। माता जी के फोटो खींचना बिल्कुल अलाउड नहीं था, बट हम बाहर निकल के आ गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और ये चुन्नी लगा रही हैं मन्नत मांग के हमारी मैडम। जो भी विषय आप मांग लीजिए, थैंक यू बोलिए आशीर्वाद के लिए, धन्यवाद। मंदिर के दर्शन करके अब ये यहाँ पर है प्राचीन, ये देखिए प्राचीन अखंड धुन के दर्शन अवश्य करके जाएं। चलते हैं अंदर, छोटे बच्चों के लिए राख ले लेते हैं नजर वजर उतारने के लिए। चलो चलो चलो, चलो चलो चलो, आराम से जाओ, नीचे भी देखना है। अखंड धुनी है ये गंगा मैया के मंदिर। इधर हो जाओ मैया, निकल दे रहो। ओ मैया बाबा झुको, अरे मां झुको, सीधे पर, अरे मान लिया तुम लोग, पाप पड़ता है। टीका लगा के आए ये धुनी का, प्राचीन अखंड धुनी के दर्शन अवश्य करें। हमने भी कर लिया है, धुनी लगाई है, दर्शन कर लिए हैं, जल ले लिया है, जल छिड़क लिया है अपने ऊपर। बच्चे छोटे हैं, नहा नहीं सकते क्योंकि पानी बहुत ठंडा है। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी मूर्ति बनी। कितनी प्यारी प्यारी खूबसूरत मूर्तियां बनी। चले यहाँ से, चलते हैं कुछ खाते पीते हैं, सुबह के निकले हुए हैं, फिर आपको दिखाते हैं हरशील के नज़ारे। बहुत अच्छे दर्शन हुए, माता रानी आप सबकी और हमारी मुरादें पूरी करें, और हम यहाँ बार बार दर्शन करने आए। हर हर गंगे, हर हर गंगे। चलो, हमारे दोनों बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, माँ गंगा ने मौसम बनाए रखा। ये लोग कितना दिखाते हैं।